इमाम को या नबी को पहचानने के लिए, क्योंकि मसला इमामत का है, जो मैं इमाम की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास इमाम को पहचानने के लिए तीन तरीके हैं। तीन तरीकों से हम किसी शख्स के दावे की तस्दीक कर सकते हैं कि वो इमाम बरहक है और उसकी हक्कानियत को हम साबित कर सकते हैं। और जब हक्कानियत साबित हो गई तो बहरहाल हमारे लिए तय हो जाता है कि वो शख्सियत है कि जिसकी किताब हम पर वाजिब है। पहला तरीका जो बयान किया जाता है वो ये है कि पिछला मासूम अगले मासूम के ऊपर नस कायम करे और तस्दीक कायम करे कि मेरे बाद इमाम कौन होगा। अच्छा, हमारे पास किताबों में ऐसी रवायतें मौजूद हैं और सही रवायतें हैं कि जो पिछले इमाम की निस्बत अगले इमाम की जिम्मेदारी को बताते हुए कि मेरे बाद कौन इमाम होगा उसको उन्होंने मुअय्यन किया है। अब अजहान जो कि ज़्यादा हमारे मानूस हैं, इसलिए मैं मिसाल के तौर पर वो मिसाल दे रहा हूँ कि जो हमारे जहनों में आम तौर पर मौजूद होती है और उनसियत ज़्यादा है, कि किससे हमने सुने हुए हैं कि जब 12वें इमाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो 11वें इमाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुआरफी करवाई और पहचानवाया कि देखो मेरे बाद इमाम ये होगा। लिहाजा जब लोग पूछा करते थे तो कुम के एक रहने वाले इंतहाई जलील कदर शख्सियत अहमद इब्ने इसहाक कुमी, उनकी जलालत के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब इमाम की पैदाइश हुई थी इमाम ज़माना इस्लाम की, तो खुद इमाम ने अस्करी बशारत दी गई थी, या ऐसी शख्सियत थे, खुद उनको इन्फॉर्म किया था कि इस बच्चे की विलादत हो गई। वो एक मरतबा तशरीफ लाए इमाम की खिदमत में, उन्होंने पूछा कि रात के बाद आपका जानशीन कौन होगा, तो इमाम अंदर तशरीफ लेकर गए। जब बाहर आए तो 3 बरस का बच्चा इमाम की आगोश में था और कहा कि मेरे बाद तुम्हारा इमाम ये बच्चा होगा। और इस तरह की बहुत सारी वाकयात मौजूद हैं जो मुख्तलिफ आइमा से हैं और मुख्तलिफ आइमा की निस्बत हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है नस, इसको कहते हैं नस, कि पिछला इमाम अगले इमाम के बारे में बयान करके जाए कि मेरे बाद ये इमाम होगा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो अकली तरीका है वो ये है कि क्योंकि हमारी जो अकायद हैं अकायद के एतबार से जो भी इमाम होगा वो अपने वक्त का बाअख़लाक़ तरीन इंसान, फजाइल के एतबार से बाफजीलत तरीन इंसान, इल्म के एतबार से आलिम तरीन इंसान होगा। लिहाजा हम लोग हर किसी हर कस व नाकस को इमाम मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई मैयार होता है, हर चीज़ का मैयार होता है। जब आप एक छोटी सी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, 50-60 साल की जिंदगी इंसान गुजार रहा होता है, आप किसी ऑफिस के लिए किसी एम्प्लॉय को रखना चाहते हैं तो बगैर मैयार के रखते हैं। आपको कोई अकाउंटेंट चाहिए, आंखें बंद करके रखेंगे या एक उसकी मैयार की लिस्ट आप साथ छापते हैं कि जी हमें एक अकाउंटेंट चाहिए जिसका इतनी पढ़ाई हो, इतना तजर्बा हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जानता हो ये ना जानता हो। यानी एक छोटे से ऑफिस को चलाने के लिए आप एक गैर मैयारी शख्स को रखने के लिए तैयार ना हो, और पूरा निजाम कायनात चलाने के लिए आप हर कस और नाकस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, तो ये तो इंसान की अकल अकल सलीम कम से कम इस बात को गवारा नहीं करती। हाँ, किसी की अकलें मारी हुई हो तो फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं, लेकिन जिनकी अकल सालिम है वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि बगैर किसी मयार के किसी को भी आगे बढ़ा दिया जाए। तो दूसरा तरीका हमारे पास अकली तरीका है कि अकली एतबार से वो शख्स के जो फजीलतों के अंदर कमालात के अंदर मकाम मंजिलत में खुदा की बारगाह में सबसे ऊपर होगा उसी को इमाम होना चाहिए। लिहाजा अकल किसी फाजिल के होते हुए मफजूल को मुकद्दम नहीं करती। अकल तो ये कायदे अकल है ये कि अगर कोई फाजिल इंसान मौजूद हो तो फाजिल के होते हुए मफजूल को, फाजिल यानी फजीलत वाला, मफजूल यानी जिसके ऊपर
ऊपर फजीलत दी गई हो या फजीलत ना रखने वाला या कम फजीलत वाला, तो कभी भी अक्ल फाजिल के होते हुए मफजूल को मुकद्दम नहीं करती है। तो दूसरा तरीका यही है कि हम जाएं जाके तारीख को उठाएं और जाके देखें कि फजाइल किसके ज्यादा है, और अमीर मोमिनीन के जमाने में कौन था जो फजाइल के एतबार से सबसे ऊपर था, इमाम हसन मुस्तफा के जमाने में कौन था, इमाम हुसैन के जमाने में कौन था, इमाम सज्जाद के जमाने में कौन था, एक एक करके आप तमाम आयमा के जमानों में जाके चेक करें, खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी यानी मिलाकर इसके लिए आप देखें तारीखों ने जो चीजें नकल कर ली थी वो तो कर चुके। अब हम यहां बैठकर पिछली तारीखों के अंदर अगर जो देखें जमाना जितना तरक्की करता है, जहां तरक्की के फायदे होते हैं वहां तरक्की के कुछ मुजर्रात भी हैं, तो तहरीफ का दरवाजा तो खुला ही है। लेकिन बहरहाल ये तरक्की वो पिछली जो किताबें हैं जो हाथ से लिखे हुए नुस्खे हुआ करते थे किसी जमाने में, हाथ से लिखे हुए नुस्खों का ये खुसूस था कि उसके अंदर आमतौर पर तहरीफ के इम्कान कम होते थे, बहुत कम होते थे। ज्यादा आज में अगर आप टाइपिंग में ऊंच नीच करना चाहें तो टाइपिंग में तो कर सकते, लेकिन जो पुराने नुस्खे मुख्तलिफ किताबखानों में पढ़े हैं उनके अंदर आप तहरीफात नहीं कर सकते। ज्यादा अगर आप देखें अभी भी बहुत से लोगों ने एतराज़ किए हैं, मतलब ये डॉक्टर तेजानी की जो किताबें उन्होंने लिखी हैं तो जो रेफरेंसेज उन्होंने दिए हैं अहले सुन्नत की किताबों के, जी सही मुस्लिम के, सही बुखारी के, तिर्मिज़ी के, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के, वाह वाह वाह, कहते जाके टुकड़े तो मिलते ही नहीं उन किताबों में, ये रिवायतें तो मिलती नहीं। तो सही है उन्होंने एक हद तक तहरीफ कर दी, लेकिन पिछली किताबों में जाए तो ये सारे मतलब आपको वहां पर अभी भी मिल जाएंगे, अभी भी, जबकि आज की किताबों में वो बातें मौजूद नहीं है। तो दूसरा तरीका ये है जो अखली तरीका है उसके जरिए आप साहिब फजीलत को ढूंढ लें, इमामत खुद ही तय हो जाएगी, उसके लिए किसी झगड़े की जरूरत नहीं है किसी चीज की, और खास जिसको कहते हैं खास उसके अंदर वो चीज नहीं है कि आप इंसान उसके ऊपर झगड़ा करें। और तीसरा तरीका जो उलमा ने बयान किया है किसी इमाम को पहचानने का, वो है मौजूदा, वो है मौजदा के मौजदे के जरिए जो मौजदा जो दावा करे। अकली मसला है कि परवर दिलाने वालों की जिम्मेदारी है, यानी खुदा ने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी, देखिए हम और आप खुदा को जिम्मेदारियां नहीं दे सकते ना, वो खुदा है जो हमें जिम्मेदारियां देते, लेकिन हम और आप तो नहीं दे सकते। तो जब ये बात कही जाती है कि खुदा की जिम्मेदारी, तो उससे मुराद ये होती है कि अकली तौर पर परवर दिलाने वालों ने खुद अपने ऊपर इस बात को लिख लिया है और अपनी जिम्मेदारी खुद लगाई है कि वो ये काम ना होने दे कि एक झूठा दावेदार और मौजदा दोनों एक शख्स में जमा हो सके। एक शख्स दावे में झूठा भी हो और मौजदा भी दिखाए, ये खुदा नहीं होने देगा। हमारे आपके बस की तो बहुत सारी चीजें हैं नहीं, लेकिन परवर दिलाने वालों ने यानी यूं समझे अपने ऊपर ये लिख लिया है कि वो झूठ और मौजदा दोनों एक शख्स के अंदर जमा नहीं होने देगा। लिहाजा अगर कोई दावा करे इमाम होने का और मौजजा भी दिखाए तो ये उस ये मौजजा उसके दावे की तस्दीक है, लिहाजा खुद खुद साबित हो जाएगा कि ये शख्स जो है वो इमाम बरहक है या नबी बरहक है। लिहाजा आपके जहनों में तारीख तो है कि लोग रसूल खुदा से क्या कहा करते थे, अबू जहल वगैरह बैठे हैं रसूल खुदा पहाड़ी में, अबू जहल अपने बाद साथियों के साथ रसूल खुदा के करीब आया और आके कहा कि सहर और जादू जो है उसका ताल्लुक जमीन से है, जादू आसमानों पे नहीं चलता, आप कोई ऐसा मौजदा दिखाएं जो आसमान से ताल्लुक रखता हो तो फिर हम मानेंगे कि आप खुदा के नबी हैं। देखें उसके जहन में भी ये बात है कि नबूवत का दावा कर रहे हैं, मौजदा दिखाएं तो हम मान लेंगे, मुद्दा मौजदा ऐसा होना चाहिए कि जो जमीन से ताल्लुक ना हो। उसी वक्त रसूल खुदा ने चांद को इशारा किया, चांद के कुछ टुकड़े हो गए। मगर मसला यह है कि अगर कोई ना मानना चाहे तो उसको क्या करेंगे आप? भाई आपने खुद कहा जादू का ताल्लुक जमीन से है, आसमान से नहीं, क्या आपने खुद कहा? फिर आपने खुद कहा कि आसमान का मौजदा दिखाएं तो हम आपकी बात को मान लेंगे। अब जब रसूल खुदा ने चांद के दो टुकड़े किए तब भी ये कह के गुजर गए कि आप तो इतने बड़े जादूगर हैं कि आपका तो जादू आसमान में नहीं चलता।
पहले खुद इकरार किया फिर खुद इनकार कर दिया। तो ये बात एक माशरे के अबू जहल जैसे अफराद के जहन में भी था कि ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं करती, लेकिन उन्होंने मानना नहीं था। हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे, बड़ी प्यारी बात है कि देखिए जो सोया हुआ हो ना उसको आप उठा सकते हैं, जो बना हुआ हो उसको कैसे उठाएंगे आप? वो सोया हुआ तो है ही नहीं, तो उसको उठाना आसान काम नहीं होता। ये सारे ऐसे ही थे, ये सोए हुए नहीं थे, ये बनते थे, इनको उठाना आसान काम नहीं था। लिहाजा कहानी आगे बढ़ गई, वो निकल के पास से ये बोल के कि जी आप दुआ करो। तो ये तीन चीजें हैं कि जिनके जरिए तीन में से कोई एक चीज भी अगर आ जाए तो वो उस शख्स की इमामत की तस्दीक के लिए काफी है। तीन में से कोई एक चीज आ जाए वो उस शख्स की इमामत की तस्दीक के लिए काफी है। तो क्या कहते हैं उस शख्स के कि जिसके अंदर तीनों बातें जमा हो जाए? उस शख्सियत को क्या कहेंगे हम कि जिसके अंदर तीनों चीजें जमा हो जाए? नस उसके बारे में मौजूद हो, अखलाक किरदार फजाइल के एतबार से वो सबसे ऊपर हो, और मौजा वो दिखा दे। तो जब तीनों चीजें जमा हो गई, जब एक पे साबित हो जाते तो तीन में तो फिर मान लेना चाहिए ना। लेकिन फिर वही वाली बात है, जिन्होंने नहीं मानना तो उनका क्या कर सकते हैं इलाज? उनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मानना ही नहीं चाहते। सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम, तीनों बातें मेरे मालूम में मौजूद। जहां तक नस का ताल्लुक है, बहुत आप लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जब इमाम मज़लूम मक्तल में जाने लगे तो सैयद सज्जाद के खैमे में तशरीफ लाए, असरार इमामत सज्जाद के हवाले किए और फिर वहां से मक्तल की तरफ गए। और फिर जब शाम गरीबा का वो मंजर आया तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने आके कहा कि इमाम वक्त तुम हो, अब बताओ हमें क्या करना है। तो ये नुसूस तो बहुत मौजूद है कि जो सैयद सज्जाद की इमामत को साबित करती है। तो नस के मरहले में नशे मौजूद है हमारे पास, और भी दूसरी रिवायत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता क्योंकि मैं जो चीज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जो सबसे अहम और अकली है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि रिवायत है। बहुत से लोग हालांकि उनको पता नहीं होता कि रिवायत की क्या प्लसेज एंड माइनसेज हैं, लेकिन जो चार बातें आपने इधर उधर सुनी आपने भी बोल दी रिवायत है, सही है, सही है, हमने क्या पता। दुरुस्त कहने को तो कह सकता ना इंसान। चले जी हम रिवायत से आगे बढ़ते हैं। आप तारीखी हकायक देखिए, तारीखें अक्सर ऐसे सुनत से आपने हमारे पास मौरखीन और इक्का दुक्का आपको मिलेंगे जो शिया मौरखीन होंगे, वरना अक्सर तारीखदान ऐसे सुनत से पढ़ते हैं। तारीखें सुन्नी तारीखें हमारे पास, आप जाके तारीखों को उठा के देख लें। सैयद साजिदीन जैसा शख्स एक तरफ मदीने में अगर कभी बवाल होता था, करने वाले भी ये खुद ही होते थे, खौफ भी लोगों को होता था। आप सोचें कैसा इंसान होगा कि दुश्मन भी अपने घर की औरतों को सैयद सज्जाद के पास ज्यादा महफूज समझते थे, लिहाजा अपने घर की औरतों को सैयद सज्जाद के पास छोड़ जाया करते थे। कैसा किरदार हुआ इस शख्स का कि इंसान अपनी नामूज की हिफाजत जिस शख्स के हवाले कर दे। मैं समझता हूं वो शख्स ऐसा इंसान है कि उसकी आंखें बंद करके उसकी इंसान को बात मान लेनी चाहिए। इंसान सबसे कीमती चीज इंसान की नामूज है, उसके अलावा इल्मी एतबार से, अखलाकी एतबार से, किरदार के एतबार से, फजाइल के एतबार से किताबें भरी हुई हैं सैयद साजिदीन के फजाइल और अखलाक को बयान करने वाली। मैं एक दो चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि बात को सपोर्ट करके फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। देखिए पुराने जमाने में जो कनीज और गुलाम का सिस्टम होता था, अब वो देखिए हिकमतें क्या थी वो तो अल्लाह ही जानता है, या वो जानते हैं कि जिनके पास खुदाई
ये मैं और आप तो नहीं समझ ना समझ सकते ना पहचान सकते हैं, लेकिन अभी मैं मुझे उस पर डिस्कस नहीं करना है। वैसे इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जो कनीज और गुलाम का सिस्टम था वो गुलाम वगैरह बिल्कुल आपके जिस तरह आपके दूसरे अम्वाल हैं उसी तरह आपकी मिल्कियत हुआ करते थे, आप हर तरह का तसर्रुफ उनमें कर सकते थे, हत्ता मारपीट। एक दो किताबों में बाद किताबों में ये वाकयात मौजूद है। अभी मुझे उसकी सेहत और सुकून के ऊपर बात नहीं करनी कि सही है गलत है रावी कैसा था सब, लेकिन अगर हो तो अगर होने के पर मैं एक बात आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं कि बाद किताबों में अल खतरा में भी ये वाकया मौजूद है। उन्होंने नकल किया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को मारा। अच्छा मार तो दिया, मारने के बाद उनका उनको अफसोस हुआ, उनको दुख हुआ, उनका दिल जला कि मैंने गुलाम को मारा। उन्होंने इमाम बाकिर को बुलाया, कहा तुम जाओ रोजा यकीन पर और दो रकत नमाज पढ़कर खुदा की बारगाह में दुआ करो कि परवरदिगार, देखिए किरदार, देखिए गुलाम है सामने, माल है उनका, हक रखते हैं, यानी मारना तो नाहक नहीं था कि आप कहीं कोई जुल्म हो गया, जुल्म हो जाए तो समझ में भी आता है, लेकिन ये मारना मारने का आका के पास हक हुआ करता था, लिहाजा कोई नाहक नहीं मारा गया। और गलती की थी उसने जिसके ऊपर तंबी की थी इमाम ने, ऐसे नहीं चलते फिरते दो लगा दी, हक था मारने का, नाहक नहीं मारा, कोई जुल्म नहीं हुआ, उसके बावजूद कहा अपने फर्जंद को कि जाओ रोज़े रसूल पर नमाज पढ़ो और खुदा से ये दुआ करो कि परवरदिगारा तू अली इब्ने हुसैन की इस खता को बख्श दे, कयामत के दिन इस खता के ऊपर अली इब्ने हुसैन का मुआवजा ना करना। और फिर उस गुलाम को कहा कि जा तुझे मैंने खुदा की राह में आजाद कर दिया। यह किरदार हमारे यहां बीवियों को मारा जाता है जबकि हक नहीं है हमारे पास, इमाम सज्जाद के पास हक था, हमारे पास हक नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों को मारा जाता है। देखिए मैं अभी फिकी मसाइल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उमूम फुका का नजरिया यही है कि बच्चों को मारने का हक माँ बाप के पास नहीं है, खास तौर पर इतनी पिटाई कि जिसकी वजह से दियत वाजिब हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं, ना माँ के पास हक है ना बाप के पास हक है। तो माँ बाप तो माँ बाप हमारे हैं, तो हर खानदान का बड़ा ये हक समझता है अच्छा कि मैं बच्चों को मार के डाल दूँ, जो हक सरवर दिलाने वाले ने माँ बाप को ना दिया हो, यानी खुदा रसूल आइमा को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा अगर किसी का हक रिवायतों में आया है तो वो माँ बाप, और माँ बाप में से भी माँ। अब एक रिवायत आपकी खिदमत में सुनूंगा अगर ये बहुत से इतनी रिलेटेड नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि कितना हक है माँ का। माँ का किसी ने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला मेरी गर्दन पर, इमाम से या पैगंबर से, मेरी गर्दन पर कितना हक, किसका हक है, कहा तेरी माँ, कहा सुम्मा, कहा माँ, कहा सुम्मा, कहा माँ, कहा सुम्मा, कहा माँ, यानी चार अगर हक हो तो चार में से तीन हक माँ के हैं, एक हक बाप का। ये और बात है कि विलायत बाप के हाथ में, मसाइल को मिक्सअप मत कीजिएगा, विलायत बाप के हाथ में, लेकिन हक मां का ज्यादा है, इसलिए कि मां ने जो जहमत उठाई है इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए वो जहमत कोई और नहीं उठा सकता और ना उठाता, और फिर उस दुनिया में आने के बाद पालने में जो जहमत, आपके सामने की बात है एक ही बिस्तर में मां भी सो रहा होता है बाप भी सो रही होती है, माँ बाप दोनों मौजूद है, बच्चा भी मौजूद है, बच्चा की आंख खुलती है, बच्चा रोता है, बाप की कान पे दूध नहीं बिकती, माँ उठती है उसको दूध पिलाने के लिए, माँ उठती है उसको चेंज करने के लिए, ये जानते हैं माँ उठाती है बाप नहीं उठाते, और ज्यादा रोए तो उसको बोलेंगे देखे दूसरे कमरे में चल रहे हो सुबह ऑफिस जा रहे हैं, हालांकि जिम्मेदारी इसी बाप की है, जिम्मेदारी ये माँ अगर मना कर दे तो करने का हक रखती है, जिम्मेदारी इस बाप की है कि रात को लेके टहले भी और सुबह जाके ऑफिस में जाके कमाए भी, ये दोनों जिम्मेदारी है इसकी, क्योंकि नफका भी इस पर वाजिब है बीवी बच्चों का और ये सारे काम भी इस पर वाजिब है।
अब वो जिस तरह से मैनेज कर सकता है करे, उसका काम है मैनेज करना, ये उसका काम है मैनेज करना। खुलासा ये कि तीन हक माँ के हैं, एक हक बाप का है, इतना हक है। लेकिन परवरदिगार आलम ने इस माँ को कि जो खुदा रसूल और आयमा के बाद सबसे ज्यादा हक रखती है एक बंदे के ऊपर, इस माँ को भी अपने बच्चे को मारने का हक नहीं दिया और बाप को भी नहीं दिया। वैसे ही उसका हक कम है, उसको भी नहीं दिया, माँ को भी नहीं दिया, बाप को, किसी टीचर को कहां से मिल सकता है। लेकिन हम समझे, सारी चीजें हम समझे तो हमारे हक में बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है अपना हक समझते हुए, बड़ी बहनें माँ हाथ चलाती हैं छोटे भाइयों पर अपना हक समझते हुए, ये माशा है। लेकिन शरीयत में ऐसा कोई हक किसी के पास मौजूद नहीं है। इमाम सज्जाद जैसी शख्सियत जो हक रखते थे मारने के बावजूद, यूं समझे कि अपने अपने आप को सजा के तौर पर उन्होंने अपने आप को खुद सजा देते हैं के कफारे के तौर पर उन्होंने उस गुलाम को खुदा की राह में आजाद कर दिया। यही इमाम सज्जाद, आपको मालूम है कि जब इनकी विलादत हुई है तो इनकी वालिदा का इंतकाल उसी वक्त हो गया था, शहरवानों का, हजरत शहरवानों का, इनको किसी और खातून ने पाला था, पाला किसी और खातून ने था, लेकिन वो उस खातून के साथ उनकी सगी मां नहीं थी, पैदा करने वाली मां नहीं थी, उनके साथ सुफरे पर नहीं बैठा करते थे, दस्तरखान पर उनके साथ नहीं बैठते थे। किसी ने कहा कि मौला आप तो इतने अखलाक वाले आदमी हैं, पैकर अखलाक हैं आप, आपकी मां पसंद करती है कि आप उनके साथ बैठे, कहेंगे मुंह बोली मां या परवरिश कर दाया कहेंगे, जो भी कह रहे हैं, वो चाहती है कि आप उनके साथ बैठे, लेकिन आप उनके साथ खाने पर नहीं बैठती, क्यों, क्या वजह है इसकी। कहा कि मैं इसलिए उनके साथ खाने में नहीं बैठता कि जिस चीज की तरफ उनकी आंख पहले पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उस चीज की तरफ पड़ जाए, और मैं हुकूक हुकूक के वालदैन के लफ्ज़ आके वालदैन को आपको सुना पड़ा था ना, मैं आके वालदैन का मुर्तकिब हो जाऊं। सगी मां नहीं है, हुकूक का असल मतलब तो वालदैन की नस्बत है ना, मां बाप की नस्बत। ये सिर्फ वो खातून है कि जिसने सैयद सज्जाद को पाला है, मगर उसके बावजूद इतना एहतराम करते थे वालदैन का, अपनी मां का, कि उनके साथ एक कासे में खाना नहीं खाते थे, इसलिए कि जिस चीज की तरफ उनकी राहें बढ़ जाए मुबादा के आधार उसी चीज की तरफ सबकत कर जाए। यह है किरदार, कहां मिलेगा आपको ऐसा किरदार, अहले बैत के घराने के अलावा कहां और मिलेगा आपको ऐसा किरदार, कि जो इतना ख्याल करें, इतना लिहाज करें। गुलाम कदीज की नस्बत उस खातून की नस्बत की जिन्होंने पाला हो, इबादत ऐसी दो तरह से किस्सा नकल किया, सुना हुआ किस्सा, मैं इतने तफसीली किस्से में नहीं जाऊंगा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को सैयद ज़ैन अल-आबिदीन का लकब कैसे मिला। दो तरह से ये रिवायत नकल हुई है, एक रिवायत जो बिहार में आई है ज़ाहिर दलाइल इमामत से आई है और एक तिबरी ने लिखी है। तकरीबन किस्सा एक जैसा है कि अजदा आया, इमाम नमाज पढ़ रहे थे, इमाम का अंगूठा चबाना शुरू कर दिया, इमाम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और नमाज खत्म होने के बाद वो अपने असली रूप में आ गया और इमाम ने उसको भगा दिया। एक भी यह है कि निदाए गैबी आई, अंता ज़ैनुल आबिदीन हक का, हकीकतन आप हैं जो ज़ैनुल आबिदीन, और जो तिबरी ने लिखा है वो लिखता है कि इसके बाद जब शैतान ने चबाया वगैरह सारा हो गया, एक बिजली आई जो इसके ऊपर गिरी तो ये अपनी असल शक्ल में आ गया। इमाम ने जब इसको देखा तो इसने खुद इमाम से कहा कि हकीकतन आप अंदाजा ही मुला में थी। अगला जुमला बहुत ताजुब खेज है जो उसने कहा, शैतान ने कहा, कहते मैंने आदम से लेकर आप तक तमाम अंबिया और मुसलीक की इबादतें देखी हैं, मगर आप जैसा आबिद मैंने नहीं देखा। तमाम अंबिया, तमाम मुसलीक, उन सब की इबादत मैंने देखी है, मगर आप जैसा इबादत गुजार मैंने
नहीं पाया। और मैं चाहता हूं कि आप अगर खुदा की बारगाह में मेरे लिए इस्तगफार करें तो परवरदिगार आलम यकीनन मुझे बख्श देगा। ये शैतान है जो सैयदुस सादिकीन के बारे में ये अकीदा रखता है और इतना एतकाद रखता है सैयदुस सादिकीन के ऊपर कि अगर आप मेरे लिए दुआ करें तो खुदा मुझे मेरी खता को माफ कर सकता है, और उसके बाद ये कहकर फिर वहां से रुखसत हो गया। तो ये अखलाक व किरदार के हामिल सैयदुस सादिकीन। और आखिरी चीज मौजूदा में एक आध बात आपकी जहमत में अर्ज करूं और आपकी जहमत को तमाम करूं। देखिए मौजूदा एक अकली चीज है, मैं पहले भी अर्ज किया, ये अकली चीज है और तस्दीक करती है साहिब मौजूदे की कि ये इमाम बरहक है। तारीख में तीन औरतों का जिक्र मिलता है हमें जिनको साहिबातुल हसाद कहा जाता है। हिसाब के हसाद कहते हैं कंकरों को, साहिबातुल हसाद यानी कंकरों वाली औरतें। तीन औरतें, एक हबाबा वालिदिया, एक उम्मे असलम और एक उम्मे गानिम। तीनों का किस्सा मिलता जुलता है। मैं हबाबा के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इमाम सज्जाद के हवाले से दो मौजज़ात हैं जो हबाबा को इमाम ने दिखाए हैं। अमीरुल मोमिनीन के जमाने से लेकर आठवें जमाने तक तमाम आयमा को दर्द किया इस खातून ने, और रावियात में से भी बात ने इसको माना है, और इंतहाई जिसको शहदाई थी बिलायत की आयमा की कट्टर मुहिब खातून हबाबाए वालिदिया। कबीला बनी असद की एक शाख वालिबा थी, उसी कबीले से इसका ताल्लुक था, लिहाजा वालिदिया असदिया भी कहता था। 230 साल की उम्र में इसका इंतकाल हुआ है। आठवें इमाम के जमाने में आखिरी मोहर इसने आठवें इमाम से दी, और उनके जमाने में इस वाक्य के बाद 9 महीने जिंदा रही और आठवें इमाम के जमाने में इंतकाल किया। आठवें इमाम ने अपना लिबास कफन के तौर पे दिया और खुद इस खातून की नमाज पढ़ाई। ये इस औरत की और इस खातून का बयान था कि खुद इमाम ने उसके ऊपर नमाज पढ़ाई। ये कहती है कि अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में मैं आई और मैंने आके अमीरुल मोमिनीन से कहा कि मुझे अपनी उसने कंकर उठाया, और अमीरुल मोमिनीन ने उस कंकर को लिया अपने हाथ में उसके ऊपर। अच्छा, दो तीन तरह से रिवायत है, मैं एक रिवायत आपके सुनाऊंगा कि अमीरुल मोमिनीन ने अपनी अंगूठी से उसके ऊपर एक मोहर लगाई और अमीरुल मोमिनीन की मोहर का निशान उस पत्थर पे इस कंकर पर छप गया। कहा ये लो मेरी इमामत की दलील, और जो शख्स भी मेरे बाद दावा इमामत करे और यही काम करके दिखाए जो मैंने तुम्हारे साथ किया समझ लो वो इमाम है बरहक होगा। ये इसके बाद अमीरुल मोमिनीन से गई इमाम हसन मुस्तफा के पास। इमाम हसन मुस्तफा कहते हैं कि आप अपने बाबा के वजी हैं, कहा कोई मौजूदा दिखाएं, कहा वो कंकर दो। उसी कंकर के ऊपर इमाम हसन मुस्तफा ने अपनी मोहर लगाई, इमाम हसन की मोहर छप गई। उसके बाद वो इमाम हुसैन के जमाने में इमाम हुसैन की खिदमत पहुंची, कहा कि आप अपने भाई के वजी हैं, कहा कोई अलामत दिखाएं, कहा कंकर दो। कंकर लेकर उसने मोहर लगाई। चौथे इमाम की खिदमत में पहुंची 113 बरस की है, बुढ़ापा आ चुका है, हाथ पैर लड़ रहे, मौला की खिदमत में अलामत लेने आई है मौला से इमामत की, मगर आपको मालूम है सैयदुस सादिकीन नमाजों में मशगूल, रुकू सजदे, मायूस होकर जाना चाहती थी कि इमाम ने अपनी उंगली से इशारा किया उसकी तरफ तो उसकी जवानी पलट आई। ये उन खवातीन में से है, एक तो रहा ना एक ही भी है कि जिनकी जवानी पलटाई गई थी, और एक और है वो भी इमाम सज्जाद जी के वाक्य में मिलती है इंशाल्लाह, ज़ाहिर है मुझे याद पड़ता है वो भी अगर उस वाक्य तक पहुंच गए तो। फिर इमाम की नमाज खत्म हुई, कहा कि मौला आपकी इमामत की दलील चाहती हूँ, कहा कंकर दो। उसी कंकर पे मौला ने भी
मोहर लगाई, उसके बाद पांचवे इमाम के पास पहुंची। अच्छा पांचवे इमाम ने कहा कि तुम, मैंने कहा ना ये मुहिबान अहले बैत में से थी और अहले बैत के घराने के साथ इसका आना जाना था, आती जाती रहती थी, राविया भी थी। कहा कि काफी अर्से बाद आई हूँ, कहा कि सर के बाल सफेद हो गए हैं। इस रिवायत के मुताबिक इमाम अलैहि सलाम ने उसके सर पे हाथ रखा, दुआ पढ़ी, उसके बाल स्याह हो गए। कहा मौला इमामत की दलील, खैर इसके बाद तो दलील की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मौला ने कहा था जो भी यही काम करेगा जो मैंने तुम्हारे लिए किया है वही इमामत पर रखोगा। कहा इमामत की दलील का कंकर लाओ, उसके कंकर पे मोहर लगाई। छठे इमाम उसके कंकर पे मोहर लगाई, सातवें इमाम उसके कंकर पे मोहर लगाई, आठवें इमाम की खिदमत में पहुंची। कहा मौला आपकी इमामत की दलील का कंकर दो, मौला ने आठवें इमाम ने उसके कंकर पे मोहर लगाई। इस तरीके से आठ इमामों के जमाने को इस खातून ने दर्ज किया है और 230 साल की उम्र में आठवें इमाम के जमाने में इस दुनिया से रुखसत। ये एक मौजूदा जो इमाम अलैहि सलाम का, जो चौथे इमाम का, बल्कि एक ही के अंदर दो मौजूदा जवानी भी पलटाई और मोहर भी लगाई। इसी तरीके से एक और अलकतरा में ये किस्सा भी नकल किया है साहिब अलकतरा ने, कहते कि एक बलखी शख्स था जो मुहिबान अहले बैत में से था, बलख का रहने वाला था, हर साल मालदार आदमी था, तो हर साल हज पे जाता था और वापसी में मदीने जाता था और इमाम सज्जाद की खिदमत में मुशर्रफ होता था। अच्छा जब ये हज पे जाता था तो हर साल कुछ ना कुछ तोहफे तहाइफ अपने घर से तहैया करके लेकर जाता था और फिर जाके इमाम को पेश किया करता। इसकी बीवी इसको कहते हर दफा लेकर जाते हुए तो इमाम के लिए, इमाम ने तो कभी तुम्हें कुछ दिया नहीं। अच्छा औरतों की तो आदत है आपको पता होती है, इसलिए तो कहता नहीं मारते तो किसी की बीवी हो छोड़ती नहीं है। तो उसने कहा कि आप इतने तोहफे कीमती तोहफे, मैंने कहा ना मालदार आदत है कीमती तोहफे, जो हर साल हज पे जा रहा है कितना मालदार होगा। कहा आप हर साल जाते हो इतने तोहफे तहाइफ लेकर जाते हो इमाम की खिदमत में, आज तक उन्होंने कभी आपको कुछ नहीं दिया, वो तो महिम था। तो उसने कहा बाप हम खाते ही नहीं कर सकता, पूरी कायनात उन्हीं के वसीले से चल रही है, जो कुछ मिलता है उन्हीं के जरिए से मिलता है, तो वो नहीं दिया तो क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया ही हुआ और नहीं लाया। लेकिन औरतें इतनी जल्दी काम बैलती है, बार उसको तो भूल के चला गया, गया हज पर लेकर के अपने दस्तूर के मुताबिक तोहफे तहाइफ लेकर गया। हज करने के बाद जब मदीने पहुंचा, इमाम की खिदमत में पहुंचा, तोहफे तहाइफ पेश किए, उसने बातचीत की तो इमाम ने कहा कि चलो खाना खाते हैं, उसको खाने की दावत दी। इमाम के साथ सुफरे पे पहुंच गए, इमाम ने खादिम को बुलाया, कहा कि एक तश्त और एक आफ्ताबा लेकर आ हाथ धुलाने के लिए। वो लेकर आया तो इस शख्स ने कहा कि मौला मुझे इजाजत है कि मैं आपके हाथ धुलवाऊं। कहा कि तुम तो हमारे मेहमान हो, तुम क्यों ज़हमत करोगे। कहा नहीं बस मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके हाथ धुलवाऊं। कहा चलो अगर तुम ये चाहते हो तो धुलवा दो, मैं भी तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि जिसे तुम्हें भी खुशी होगी और तुम्हारी आंखें भी ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद तश रखा गया, मौला ने हाथ आगे किए, उसने पानी डाला, एक तिहाई तश जब भर गया, मौला ने कहा देखो इसमें क्या है। कमल पानी यानी गौर से देखो याकूत सुर्ख है। अब जो उसने देखा तो याकूत सुर्ख में, सुभान अल्लाह। फिर मौला ने कहा दोबारा पानी डालो, पानी डाला, फिर एक तिहाई और भर गया। कहा अब क्या है। कमल पानी। कहा गौर से देखो जुमुर्रद सब्ज है। अब जो देखा तो जुमुर्रद सब्ज। फिर हाथ में पानी डलवाया। कहा अब क्या है। पानी गौर से देखो सफेद मोती है। जब देखा तो सफेद मोती से पुर, तो तश्त के अंदर तीन तहें बन गए जवाहरात की। कहा कि काम करो ये ले जाओ और ये जाके अपनी जौजा को देना हमारी तरफ से तोहफा, और उनको कहना उससे हमारी ये देखिए भी इमाम है कमाल देखिए इमाम का। कहा उसको हमारी तरफ से कुछ सफाई करना कि उसने हमारी सरजनिश की और उसको हमारा ये अमल के अंदर तुम्हें कुछ नहीं दिया बुरा लगा, तो हमारी तरफ से उससे गुजरवाई करना और ये जाके उसको दे देना। खैर फारिग होकर जब गया पहुंचा अपने वतन में, जाके सोचा को कहा कि ये दोस्त इमाम ने तुम्हारे लिए भिजवाए।
अब खुश तो बड़ी हुई होगी इतने सारे जवाहरात देखकर। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें कसम देती हूँ कि अगली दफा जाना तो मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाना, मैं भी जाकर उनकी ज्यारत करना चाहती हूँ। कहा ठीक है। अगला साल हुआ, फिर इन्होंने तोहफे तहाइफ लिए और इस दफा मियां बीवी दोनों चले गए। मक्के पहुंचे, मक्के में हज को अंजाम दिया। हज को अंजाम देने के बाद वापसी में मदीने गए। अब जब मदीने पहुंचे, मदीने से अभी थोड़ा दूर थे कि इस औरत की तबीयत हो गई खराब। तबीयत की खराबी के बिना पर जिसको कहते हैं ना आने फंसा, आजकल हमारे कोरोना वोरोना है, अलाप अलाप जो चीजें चल रही हैं, बाद बात पता भी नहीं चलता, सुबह तक ठीक था रात को खत्म, उसका भी यही हाल हुआ। आनंद फानंद में वो दुनिया से रुखसत हो गई। अब वो परेशान हाल उसको छोड़कर इमाम की खिदमत में पहुंचा, सलाम अर्ज किया और सारा माजरा बताया कि इस तरह से सूरत हाल हुई है। इमाम ने कहा जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहा जाओ, तुम्हारा इंतजार कर। अब जो वापस आया तो देखा कि उसकी जौजा उसी खेमे में जो बनाया था उसी में बैठी, उसका इंतजार कर रही है। उसने कहा कि ये तुम कैसे ठीक हो गई, माजरा क्या है? कहा माजरा ये है कि तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, तो तुम जब छोड़कर गए तो जब मलकुल मौत आया वो मेरी रूह कब्ज करना चाहता था कि एक इंतहाई खूबसूरत जवान दाखिल हुआ खेमे में और जो उसका हुलिया बताया उसने कहा कि ये तो मेरे मौला का हुलिया है। कहा जब वो दाखिल हुआ तो जब उस मलकुल मौत ने इमाम की ज्यारत की, एक मरतबा इमाम के कदमों पे गिर पड़ा, इमाम के कदमों का बोसा लिया और इमाम ने कहा कि क्योंकि ये मेरी ज्यारत के लिए आ रही थी लिहाजा खुदा से मैंने इसके लिए 30 साल की उम्र को मांगा है, लिहाजा इसकी रूह को वापस करो। और मलकुल मौत ने रूह वापस पलटा दी और फिर इमाम की दस्तबूसी करके वो उस खेमे से बाहर चला गया। आप जरा गौर करें, मलकुल मौत है लेकिन मार्फत रखता है हुज्जत खुदा की, हुज्जत खुदा की मार्फत रखता है। उसने कोई दूसरा सवाल नहीं किया कि यार कहां से कह रहे हैं, आपके पास कोई लिखा हुआ, आपने खुदा से ले लिया तो कोई लिखी हुई चीज है, कोई तहरीर है, कुछ नहीं, बस जो कह दिया सो हो गया। लिहाजा वो रूह को पलटा के वापस चला गया और फिर इस तरीके से इमाम वापस पहुंच गए। अब फिर ये वापस लेकर इमाम की खिदमत में पहुंचा। जब इमाम की खिदमत में पहुंचे तो इमाम को देख कर उसने कहा कि हाँ यही वो शख्स था कि जिसने मेरी जिंदगी मुझे पलटाई है, एक गुरु भेजे मोहम्मद वाला। मौजज़ों का शहर 10 जिल्दों में है जिसमें आयमा के मौजज़ात बयान किए, आप उठा के देखें ये उसमें भी मौजूद है तो आपको पता चलेगा कि आयमा के ये तो वो मौजज़ात है जो लोगों को मिले उन्होंने जमा कर दिए, जिन तक रसाई ना हो सकी, जिन तक ना पहुंच सके, शायद उनकी तादाद उन मौजज़ात से कहीं ज्यादा होगी कि जिन तक रसाई हुई होगी, इसलिए छुपाया बहुत कुछ गया है अहले बैत के हाथ में। जो जुल्म अहले बैत की निस्बत किए गए हैं उनसे ये जुल्म है कि अहले बैत की फजाइल को भी छुपाया गया, उनके मनाकिब को छुपाया गया, उनके मौजज़ात को छुपाया गया, इसलिए कि ये हक्कानियत की दलील है। अगर ये लोगों तक पहुंच जाए तो इनकी हक्कानियत साबित हो जाती है, लेकिन इतना कुछ छुपाने के बावजूद कमाल ये है परवरदिगार आलम का आप तरीका कार देखिए कि परवरदिगार आलम ने बाद वो फजाइल, बाद वो मनाकिब, बाद वो मौजज़ात खुद उनके दुश्मनों की किताबों में डलवा दिए, उनके दुश्मनों के मुंह से जारी करवा दिए, यानी जिनकी बिना नहीं थी कि जिनकी कोई फजीलत सामने आए, जो चाहते ही नहीं थे कि उनकी कोई फजीलत लोगों तक पहुंचे। हदीसों की तकवीन को रोका गया या नहीं रोका गया? तारीख तो आप लोगों के सामने, क्यों रोका जाता?
नाम रखते थे अपने अली हसन हुसैन, उनको मार दिया जाता था। वो चाहते थे कि ये नाम ही दुनिया से खत्म हो जाए, लेकिन आज आप तनासुब देख लें कितना नाम अली हसन हुसैन इस दुनिया में रखा जाता है और कितना नाम दूसरों का रखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरों के नाम तो हुआ कि खुद वो लोग भी रखना पसंद नहीं करते। और हमारे मान हुआ कि हम तो रखते ही रखते, दूसरे भी रखते हैं शौक से। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनके फजाइल और मनाकिब कितने ज्यादा हैं, खुद उनकी किताबें पुर हैं उनके फजाइल से। वो किताबें देखिए, एक किताब है सवाई के मुहर्रिका के नाम से, सवाई सायका की जमा है, सायका कहते हैं बिजली को, मुहर्रिका यानी जलाने वाली, जलाने वाली बिजली। ये जलाने वाली बिजली शियों के ऊपर बिजली गिराई गई थी, शियों के अगेंस्ट में ये किताब लिखी गई थी। और इंतहाई मुतासिब इंसान है लिखने वाला इब्ने हजर मक्की, इंतहाई मुतासिब इंसान। लेकिन उस किताब में भी बाद अवकात ऐसे वक्त तो नहीं बचा, लेकिन बाद अवकात आपकी किताब अगर उर्दू में हो, मुझे नहीं मालूम कि है या नहीं है, अगर मिल जाए तो जरूर पढ़े। बाद वो बातें उसमें आ गई हैं कि शायद अगर कोई न्यूट्रल सुन्नी आदमी भी बयान करता तो शायद इतनी इन लोगों की समझ में ना आती जितनी इनके बयान करने से समझ में आती है। ऐसी ऐसी रिवायतें उसने लिख डाली हैं जो सिर्फ शियों को जलाना चाहता था, जो शियों को जलाना चाहता था उसने वो रिवायतें लिख दी हैं कि शियों को जलाने की बजाय ये खुद ही जल जाए। ऐसी रिवायतें उसमें मौजूद हैं। तो बहरहाल हमारे पास मैंने कहा ना कि इतना अहले बैत का बाकी अफराद का तज़किरा नहीं किया जाता, लेकिन इमाम सज्जाद की हक्कानियत को साबित करने के लिए मैंने कहा था एक चीज हो तो काफी है। इमाम सज्जाद के हक में तो तीनों चीजें जारी हैं, नस भी मौजूद है, फजाइल भी ऐसे फजाइल कि जो इनके जज से भी सादिर हुए, खुद उनसे भी सादिर हुए, और मौजदात भी ऐसे मौजदात कि जो जिन मौजदात की वजह से अमीर उम्मीदीन को दुसैनी खुदा मान लें, वही मौजदात सैयद सादिदीन से भी सादिर हो गए। तो आखिर में हम बस वक्त काफी हो गया इसके, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ को हैं कि परवरदिगार आज की रात सुबह विलादत है और विलादत भी उस मासूम हस्ती की जो सैयद साजिदीन है, जैनुल आबिदीन है। परवरदिगार तुझे इसी बाबरकत हस्ती का वास्ता तमाम मोमिन मोमिनात जिंदा मुर्दा सब के गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा, हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद रसूल खुदा के घर विलादत का मौका है। और बादशाहों का तरीका ये होता है कि बादशाह अपने खजानों का मुंह खोल देते हैं ऐसे मौकों पर, तो रसूल खुदा से बढ़कर बादशाही किसकी होगी जिसकी पूरी कायनात में बादशाही हो। ज्यादा रसूल खुदा की खिदमत में दुआ को है कि परवरदिगार अपने हबीब के सदके में और इस मौजूद के सदके में तमाम मोमिन मोमिनात जहां कहीं भी मौजूद हों, खासतौर पर हाजिरीन महफिल और परेशान हाल हों, की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, बीमार का वास्ता तमाम बीमारों से हर कामरा आजा इनायत फरमा, हजरत मोहम्मद वाले मोहम्मद जो बेऔलाद हैं उनको साहिबे औलाद फरमा, हजरत मोहम्मद वाले मोहम्मद जो साहिबान औलाद हैं उनको औलाद होने को साले करार दे, हजरत मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बाकियात सालेहात से करार दे, हजरत मोहम्मद वाले मोहम्मद औलाद के इन हर मराजे निजाम की हिफाजत फरमा। ये आबिदे बीमार का वास्ता परवरदिगारा जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात मौजूद हों, खासतौर पर हाजिर महफिल सबकी दीनी और दुनियावी जायज हाजात को पूरा फरमा दे, सुनान दीन और इस्लाम अगर काबिल हिदायत ना हो तो नीस्त नाबूद फरमा दे, और अगर काबिल हिदायत हो तो हिदायत के अस्बाब जल्द से जल्द मुहैया फरमा दे।